गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ द सब्जेक्ट हिंदी, अपनी वस्तु। अपनी वस्तु से क्या मतलब है? कोई चीज अपनी है, जिसको जो अपनी है अपने पास रखते हैं, तो ये लेसन उसी के बारे में। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, महात्मा जी कोई साधु बाबा है जो कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को, मार्ग में मतलब रास्ते में, उन्होंने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। ये दो आदमी आपको पिक्चर में देख सकते हो, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो इतने गुस्से में है कि दोनों एक दूसरे को लकड़ी से मारने पे तुले हुए कि एक दूसरे की हम जान ही ले लें। एक कहता था कि ये भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, मतलब इस पे मेरा अधिकार है, ये पूरी जो जमीन है वो मेरी है। और दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था, मतलब दूसरा उसको बोल रहा था कि नहीं, ये तेरी नहीं है, ये मेरी है। तो उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। क्रोध से लाल पीले मतलब लाल पीला नहीं, क्रोध बहुत तेज गुस्सा आ रहा था दोनों को कि नहीं, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। ऐसा अक्सर होता है घरों में, जब दो भाई होते हैं, तीन भाई होते हैं, तो जमीन जायदाद की उनके बीच में लड़ाई होती है, और वो एक दूसरे के इतने लड़ाई होने लग जाती है कि एक दूसरे की जान लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, मतलब सब अपना अपना बता रहे थे। वो बोल रहा था नहीं, ये मेरी है, इसमें मैंने काम किया हुआ है। वो बोल रहा है ये मेरी है, मैंने भी इसमें काम किया हुआ है। तो संत महात्मा जो उनके पास से होकर जा रहे थे, वो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, मतलब उनमें दया की भावना होती है। परोपकार मतलब दूसरों के ऊपर एहसान पहले करते हैं, खुद की बाद में सोचते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं जो महात्मा होते हैं वो। उनके मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले। व्यर्थ ही मतलब एक फालतू बात करके, एक दूसरे पर गुस्सा करके अपने प्राण गंवाने तक की बात कर रहे हैं ये दोनों, की लड़ाई का कोई तुक नहीं है। अतएव इन्हें समझा बुझा कर शांत करने और आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। तो वो महात्मा जी ने क्या सोचा है कि मुझे ऐसा ट्राई करना चाहिए कि मैं इन दोनों में सुलझ करा सकूं कि ये दोनों लड़ाई करना बंद कर दें। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करके बोले। निकट गए मतलब उनके पास आए, दूर थे थोड़े तो पास आए और उनको संबोधित करते बोला कि हे भद्र पुरुषों, भद्र यानी तुम डर्टी लोग हो, तुम्हारे में तुम खराब पुरुष हो, जो इस बात पे जब कोई बात हो तो आपस में सही बैठ के सुलझाओ, इस तरह से क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उन्होंने उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछा। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन हम दोनों भाई हैं। अब वो इतने जोर से लड़ाई कर रहे थे और वो दोनों कौन थे? भाई थे, और अक्सर जमीन जायदाद की लड़ाई भाइयों के बीच में ही होती है। तो हम दोनों भाई हैं और हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, मतलब उन दोनों के भाई के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई है, और उन्होंने जो बंटवारा किया था भूमि का, उनके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी ये व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। मतलब एक भाई अपनी बात बोल रहा है कि मेरे पिताजी ने ये बंटवारा किया था और जिस हिसाब से बंटवारा किया वो जमीन मेरी है, और ये भाई ऐसे ही मुझसे लड़ाई कर रहा है। तो दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, मतलब दूसरा जो भाई था वो चिल्ला उठा, मतलब जोर से गुस्से में बोला कि महाराज ये तो झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं मेरे भाग में आती है। मतलब उसने अपनी ओर से बोला कि ये तो मेरी जमीन मेरे भाग में आती है और असली मालिक मैं हूँ, ये झूठ मूठ ही इसे बतला कर मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। तो उसने भी अपनी बात बोली और उस भाई ने भी अपनी बात बोली। तो महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, मतलब शांति से उनको बोला कि तुम दोनों ही उस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे में इसका निर्णय कभी नहीं होगा। मतलब तुम भी लड़ोगे तो फिर कैसे इसमें सुलझाड़ा होगा, तुम लड़ते ही रहोगे। इसलिए अच्छा यही है रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने के लिए उतारू हो,
उससे ही ये पूछ लो कि असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। मतलब महात्मा जी ने क्या बोला, तुम इस धरती माता से ही पूछ लो कि असली मालिक कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी, वो स्वयं बोल देगी कि नहीं मेरा मालिक कौन है, ये धरती बोल देगी। तो कुछ पल तक तो दोनों महात्मा जी के मुख को ताकते रहे, दोनों भाई उनके फेस को देख रहे, फिर बोले ये तो संभव नहीं है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि जमीन बोलेगी कि मेरा मालिक ये है, मेरा मालिक ये है, भूमि तो कभी बोलती नहीं है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग सुन नहीं सकते। हम सुन सकते हैं, किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम उन दोनों को मान्य होगा। दोनों भाइयों को क्या बोला कि धरती जो बोलती है, ये जो जमीन बोलती है, वो तुम नहीं सुन सकते, लेकिन मैं सुन सकता हूँ, और जो ये डिसाइड करेगी वो तुमको मानना पड़ेगा, इसके लिए अगर तुम एग्री हो तो ही मैं इससे बात करूँ। तो दोनों भाई इस बात पे राजी हो गए, मतलब मान गए कि हाँ जो ये धरती बोलेगी उसमें हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। महात्मा जी उनको घर ले गए, कि घर ले जाने की बोला कि मुझे पहले अपने घर ले जाओ और मुझे खाना खिलाओ पहले। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। तो दोनों भाई क्या बोले कि पहले हमारे भूमि का सुलझाड़ा करो, फिर हम आपको खाना खिलाएंगे। तो महात्मा जी ने बोला, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। मतलब तुम खाना खिलाने के बाद भी अपन ये डिसाइड कर सकते हैं, ये क्या ऐसा तो है नहीं चल के दूर चली जाएगी, धरती तो जहाँ है वहीं स्थिर रहेगी। तो पहले भोजन हो जाए ताकि मन और मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, मतलब मन तुम्हारा शांत हो जाए, दोनों गुस्से में हो तो खाना खाओगे, घर जाओगे, बैठोगे तो थोड़ा शांति मिलेगी, इसलिए तुम अपने घर से भोजन ले आओ, हम तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ठीक है, दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर से भोजन बना कर ले आए। महात्मा जी ने फिर दोनों को बैठ जाने को कहा कि दोनों खाना लेके आ गए और महात्मा जी के साथ पेड़ के नीचे बैठ गए। तत्पश्चात यानी उसके बाद उन्होंने भोजन के तीन भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। दोनों का जो खाना था उनको मिक्स किया और तीनों का बराबर करके बोला, तुम भी खाओ और मैं भी खा लेता हूँ। महात्मा जी इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत और भोजन आदि में 2 घंटे लग गए, ये सब काम करने में उनके 2 घंटे पूरे हो गए। फिर महात्मा जी ने समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कम हो जाए। मतलब 2 घंटे तक अगर आदमी किसी और बात पे लगेगा तो उसका जो जिस टाइम वो गुस्सा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो वो थोड़ा हटेगा। इसीलिए तो हमें बोलते हैं कि जब अपने को गुस्सा आ रहा हो किसी बात पर तो उस टाइम अपने को शांत रह के थोड़ी देर कुछ दिमाग कहीं और लगाना चाहिए, ताकि वो गुस्सा शांत हो जाए और अपन उस चीज़ से दूर हटे। फिर उनको क्या कि गुस्से में किसी आदमी को कुछ भी समझाते तो उसके समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए महात्मा जी ने कहा कि अब इनका गुस्सा शांत हो गया, खाना भी खा लिया, तो अब क्या, अब मैं कुछ भी इनको समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगे। और यही हुआ क्योंकि गुस्सा शांत हो गया तो वो शांति से बात समझ रहे। गुस्से में अपन किसी भी आदमी को कुछ भी बोल दे उसके कोई कुछ भी माइंड में नहीं जाता, लेकिन जब शांत होगा तो अपन वही बात उसको समझाएंगे तो वो आराम से समझ जाएगा। फिर दोनों भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे, मतलब खाना खा के दोनों आराम से थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, मतलब पैरों में गिर के बोले कि महाराज ये भूमि तो कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब जमीन तो कैसे बोलेगी, आप जो बोलेंगे वो हमें मंजूर है। फिर क्या होता है, महात्मा जी इस भूमि से पूछ कर इसका निर्णय करते हैं। उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब उनके कान को ऐसे नीचे झुका के धरती पर लगाया और कहा। कुछ देर तक तो वो भूमि के कान लगा के रखा, फिर सीधे गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और कह रही है। मतलब उन महात्मा जी ने क्या बोला कि यह भूमि तो तुम दोनों के बात से कुछ अलग ही बात कर रही है। तो दोनों भाई बोले, महाराज ये भूमि क्या कह रही है। तो महात्मा जी बोले, ये भूमि कह रही कि तुम दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, मतलब तुम दोनों की मैं नहीं हूँ। भूमि का ये कहना था कि मैं ना इस भाई की हूँ
ना इस बाइक की हूँ। ये तो मुझसे फालतू ही मेरे ऊपर झगड़ रहे हैं कि मेरा अधिकार जता रहे हैं कि ये मेरी है, ये इसकी है, क्योंकि मैं इन दोनों की किसी भी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों मेरे हैं। भूमि क्या बोल रही है, मैं तो इन दोनों की नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों मेरे हैं और मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है, जाते हुए देखा है। मतलब उनके जो दोनों भाई लड़ा देते, उनके पापा भी वही खेती करते थे, उनके पापा के पापा ने भी वहीं पर खेती करी। इस तरह से कितनी पीढ़ियों ने उसी जमीन को खेती करी है, कोई साथ लेके नहीं गया। हाँ, आदमी चला गया, उनके बाद उनके बच्चे आ गए, वो बूढ़े हो गए, उनके बच्चे आ गए, इस तरह से काम करते रहे, लेकिन इस जमीन का कोई किसी को नहीं ले, कोई ले जा नहीं पाया, ये जमीन यही रही है। तो इस बात में क्या है, एक डीप थिंकिंग है कि जो आदमी है वो फालतू ही लड़ाई करते हैं और इन सब चीज़ों को सोच सोच के अपना और अपने परिवार का, अपने भाइयों से और रिश्ते खराब करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सब यहीं रह जाएगी, कुछ भी साथ नहीं आता है, जमीन है चाहे कुछ भी है वो सब यहीं रहेगा। ठीक है, फिर वो बात करते हैं कि महात्मा जी की ये जब बात सुनते हैं दोनों भाई तो लज्जित हुए, मतलब उनको बहुत शेम फील हुआ कि हाँ हम किसी छोटी बात पे झगड़ रहे हैं, जबकि हमारे साथ तो कुछ आएगा ही नहीं, हम तो मर जाएंगे लेकिन जमीन थोड़ी ना हमारे साथ आएगी। तो वो दोनों महात्मा जी के चरणों में गिर गए और महात्मा जी का लोहा गर्म देख कर चोट की, मतलब जब वो दोनों पिघल गए, गुस्सा शांत हो गया, बात को समझ गए, तो महात्मा जी ने उन्हें समझाते हुए बोला, तनिक विचार करो, तनिक मतलब थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोचो, दिमाग में सोचो कि जिस भूमि के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, क्या वे आज बनी है, तुम्हारे लिए बनी है? वो तो कितनी पीढ़ियों से बनी है, तुम लोगों की बन जाएगी। मेरी कहकर व्यर्थ में यत्न करता है, मतलब ऐसे ही बात करता है कि ये मेरा, जबकि जब उसका ख़त्म हो जाएगा तो वो किसी और का हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा तो किसी और का हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमेशा अमर रहे, जिंदा रहे। ये नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है, सब कुछ सबका है, अपना जो है उसी में खुश रहो। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना कहकर चले गए, जो पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वो कितना कहते थे, हमारा राज्य इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है, हमारे राज्य की ये इतनी सेना है, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो सब कुछ यहीं रह गया, सब कुछ या कोई साथ लेके नहीं गया। परंतु साथ क्या ले गए, कुछ भी नहीं, साथ तो कुछ नहीं ले जाते, सब यही छोड़ जाते हैं। जैसे वे खाली हाथ संसार में आते हैं, जब पैदा होते हैं खाली हाथ आते हैं, वैसे ही चाहे उसके पास कितना भी कुछ हो, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो खाली हाथ ही उनको जाना होता है। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को क्यों नष्ट करना चाहते हो? जीवन एक बार मिलता है, इसको इन व्यर्थ की चीज़ों में लड़ाई करके ख़त्म मत करो। दूसरों की भलाई करो, अच्छे से सादा जीवन, उच्च विचार रखो, अपनी सोच को बड़ा रखो, यही सब कुछ जीवन के आदर्श है। ये भूमि ना तुम्हारी है ना तुम्हारी कभी बनेगी। भूमि का क्या है, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी अपने पास धन दौलत है, वो सब नहीं रहेगा, कभी साथ नहीं रहेगा। तुम्हारी अपनी वस्तु का केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। तुम अगर अच्छे काम करोगे वो तुम्हारे साथ आएंगे। कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उनको जीवन भर लोग उनको याद रखते हैं, लेकिन अगर तुम बुरे काम करोगे या कुछ नहीं करोगे तो कोई याद नहीं रखेगा। इसलिए हमें बस अपना काम करना चाहिए, अपने अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की भलाई करना चाहिए, फालतू के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल की क्षमा मांगी, मतलब सॉरी फील किया उन्होंने, और उस दिन से फिर वो दोनों भाई आराम से प्यार से साथ में रहने लगे और इस तरह से उन्होंने अपने लाइफ को अच्छा कर लिया। तो ये था अपना लेसन, ये इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग है जो आपको कॉपी में लिखने हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको, अब पार्ट को मैंने एक बार पढ़ा दिया है, एक बार वापस आपको रिपीट करना है, रीड करना है घर पे, और इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।